हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल गाइस। मैं आज आपके साथ मैं ईद का मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने ईद पर वियर किया था। एंड ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूडिश कोरलिश मेकअप लुक है जो कि मैंने क्रिएट किया था ईद पर। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैं स्किन को मॉइस्चराइज करूँगी, इसके लिए मैंने एल्फ गुडनेस का मॉइस्चराइज़र लिया है। एंड उसके बाद मैंने फोटो फोकस वेट एंड वेल का प्राइमर लिया है, ये ड्यूई प्राइमर है, बहुत ही अच्छा प्राइमर है। उसके बाद मैंने मेबिलिन का 24 आवर्स लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन लिया है, और एक डैम स्पंज की हेल्प से मैं इसे इस तरह से लगाकर डॉट डॉट कर कर लगा कर इसे स्पंज की हेल्प से ब्लेंड आउट करूँगी। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, कवरेज आपको फुल दे देते हैं एंड साथ ही काफ़ी देर तक ये रहता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये DIY यानी कि हीटलेस कर्ल्स रोल किए हैं, जिसकी वजह से मेरा हेयर स्टाइल ऐसा लग रहा है। सो कुछ नहीं करना, जस्ट गीले बालों में आपको इस तरह से हेयर्स को ट्विस्ट कर कर रैप करना है, एंड आपको बहुत ही ब्यूटीफुल से कर्ल्स मिल जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो भी बनाकर बताऊंगी। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने सेम फाउंडेशन को कंसीलर की तरह भी यूज़ किया, एंड उसके बाद मैंने लूज पाउडर की हेल्प से बेकिंग की है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है। एंड जैसे कि आपको पता है कि समर्स है तो मेकअप हमारा क्रीज कर जाएगा, सो उसे लगाने के बाद मैंने अपने आईब्रोज को फिल कर लिए हैं, देन पाउडर को डस्ट ऑफ किया है 5 मिनट के बाद। इससे क्या होगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्ट रहेगा एंड फाउंडेशन कंसीलर जो है क्रीज नहीं करेगा। आई मेकअप स्टार्ट करते हैं, इसके लिए मैंने वेट एंड वेल का आई शेडो पैलेट लिया, इसमें से ट्रांसलेशन शेड लेकर मैंने क्रीज पर अप्लाई किया है, एंड ऑरेंज शेड लेकर क्रीज पर ही इस तरह से लगाया है। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आई मेकअप को रखा है। एंड मैं यहाँ पर मम्मी के यहाँ जा रही थी, तो मैंने ये वाला मेकअप वीडियो भी शूट कर लिया, एंड इस तरह से मैं तैयार भी हो गई थी। सो उसके बाद मैंने कंसीलर लगाया, कट क्रीज इस तरह से ड्रॉ की है, एंड काफ़ी सटल एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सा हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सो यहाँ पर मैंने क्रीज को कट कर लिया है, एंड फिंगर की हेल्प से मैंने इसे थोड़ा सा ब्लेंड आउट किया है ताकि ये ड्राई हो जाए। देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर भी अप्लाई किया है ताकि ये क्रीज ना हो। सो जैसे कि आप देख सकते हो, इसे मैंने लूज पाउडर की हेल्प से सेट कर लिया है। अगेन यहाँ पर मैंने सेम ऑरेंज शेड लेकर क्रीज को थोड़ा सा अच्छे से डिफाइंड दिखने के लिए मैंने इसे वही सेम ऑरेंज शेड को अप्लाई किया है। देन यहाँ पर मैंने स्विस ब्यूटी का लिक्विड ग्लिटर आई शेडो लिया है, और इसे मैं कट क्रीज इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करूँगी, जस्ट इस तरह से एक लाइन ही ड्रॉ करना है। एंड ये थोड़ा सा ख़त्म पे था मेरा ग्लिटर, तो ज़्यादा अच्छे से नहीं आ रहा है, बट बहुत ही अच्छा लुक आएगा, आप इस तरह से ज़रूर क्रिएट कीजिएगा। देन यहाँ पर मैंने स्केच आईलाइनर की हेल्प से लाइनर को ड्रॉ कर लिया है, जस्ट नॉर्मल सा लैश लाइन के क्लोज क्लोज मैंने लाइनर अप्लाई किया है, एंड काजल अप्लाई किया है अपने अपर एंड लोअर वाटर लैश लाइन पर या वाटर लाइन पर। काजल लगाने से आपके आइज़ बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं, एंड साथ ही बोल्ड एंड बिग लगते हैं। तो काजल मैंने अप्लाई कर लिया है, मेगा लेंथ वेट एंड वेल का मस्कारा अप्लाई किया है, मैंने कोई भी फॉल्सेस अप्लाई नहीं किए हैं। सो अगर आप करना चाहते हो तो यू कैन डू इट। सो इसके अच्छे से 2-3 कोट्स मैंने अपर एंड लोअर लैशेस पर अप्लाई कर लिया है, एंड ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, साथ ही आपको लेंथ एंड वॉल्यूम भी दे देता है, एंड अफोर्डेबल भी आता है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से फेस को सेट किया है, जो कि मैंने नहीं किया था। सो इसे मैं पूरे फेस एंड नेक पर अच्छे से सेट कर लूँगी। देन सेम वेट एंड वेल के आई शेडो पैलेट में से मैंने एक लाइट ऑरेंज ब्राउन शेड लेकर कॉन्टोर किया है अपने हॉलर्स ऑफ माई चीक्स, फोरहेड, नोज को भी कॉन्टोर किया है ताकि मेरी नोज जो है स्लिम लगे। उसके बाद मैं चाह रही थी कोरलिश ऑरेंजी ब्लश, तो सेम उसी पैलेट में से मैंने ऑरेंजी शेड को लेकर एज ए ब्लश अप्लाई किया है, क्योंकि मेरा जो ड्रेस था
ऑरेंज शेड में था एंड मैंने आई मेकअप भी ऑरेंज टोन में ही किया था, न्यूट्रल किया था, तो इसीलिए उसके बाद मैंने एडीएस के फिक्सर की हेल्प से मेकअप को फिक्स किया है। एंड काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी एंड ईद वाले दिन तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग के यहाँ कैसा था बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में। एंड मैंने हाइलाइटर को अप्लाई किया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ हाइलाइटर यूजुअल प्लेसेस जहाँ जहाँ हम हाइलाइटर अप्लाई करते हैं। सो हाइलाइटर लगाने से जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सा सटल ग्लो भी आपको ये दे देगा। इनर कॉर्नर आइज एंड ब्रोबन को भी मैं इसी यानी कि सेम हाइलाइटर की हेल्प से हाइलाइट कर लूँगी। डार्लिंग इसाबेला की ये न्यू डिश ब्राउनिश लिपस्टिक ली है मैंने, बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये वाली लिपस्टिक। सो हमारा न्यूट्रल ब्राउनिश कोरल मेकअप रेडी है। ये रहा मेरा आउटफिट, मैंने यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो उस तरह से कर्ल्स मेरे रेडी हुए हैं एंड मैंने एक झुमका वेयर किया है और बस कुछ नहीं। यही थे मेरी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। मैं इस तरह से मेरी ईद पर मैंने रेडी हुआ था और काफ़ी अच्छे से टर्न आउट हुआ है ये वाला मेकअप लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो। एंड न्यू हो पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करें। एंड ये लुक कैसा लगा बताना ज़रूर। इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी मुझे फॉलो कर ले, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आपको ये वाले कर्ल्स मैंने किस तरह से किया है अगर आप देखना चाहते हो तो बता सकते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए इंडिविजुअल वीडियो बना दूँगी। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज़।